कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरत फराफे या रिस्क के लिए सवाब के अलावा रिस्क की फराफे के लिए हर रोज नमाज इशा के बाद 3 बार सूरत रहमान पढ़ें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। हर रोज इशा की नमाज के बाद ये वजीफा बल्ला नाफा पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो रब ताला के फजल व करम से कभी रिस्क में कमी वाक़ ना होगी। गुर्बत और इफलास से छुटकारा। गुर्बत, तनगदस्ती और इफलास दूर करने के लिए हर जुमा को नमाज इशा पढ़कर मसले पर बैठें और अव्वल व आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ें। दरमियान में 10 मरतबा सूरा रहमान पढ़ें। फिर रब ताला से दुआ मांगी और किसी से बातचीत ना करें। हक ताला ने चाहा तो चिन्हत ही दिन में इस पर खुदा का बे इंतहा इनाम व अकराम हो जाएगा। दुकान में तरक्की के लिए बावजूद हालत में 7 मरतबा कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरा रहमान शरीफ पढ़कर अपनी दुकान पर दम करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो दुकान खूब चलेगी और ग्राहक वाफर मकदार में दुकान में आएंगे। कर्ज से निजात, जिस किसी पर बहुत ज्यादा कर्ज वाजिब अदा हो, वो कर्ज अदा करने की ताकत ना रखता हो तो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े, फिर 11 बार सूरा रहमान कुरान मजीद की सिर्फ एक पढ़े। पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े।